नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, शादीशुदा औरत को अपने वश में करने का चमत्कारी टोटका। स्त्री के इस्तेमाल किए हुए वस्त्र से आपको ये वशीकरण करना है। ये वशीकरण करने के बाद में शादीशुदा महिला या आपकी प्रेमिका आपके वश में हो जाएगी। आप जो करना चाहते हैं उसके लिए बिल्कुल मना नहीं करेगी। इसका इस्तेमाल कई सदियों से चला आया है भक्तों। पुराना वस्त्र लेना है और उसको किस प्रकार से मंत्रों का उच्चारण करना है, उसके बाद में क्या विधि है, ये मैं पूरा आपको बतलाने वाला हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आधा ज्ञान कभी पूरा नहीं होता। इसलिए पूरी विधि देखें और उसको इस्तेमाल करें, आपका काम जरूर होगा। कि जैसे मैंने लिया है इस प्रकार से किसी भी शादीशुदा महिला का या अपनी प्रेमिका का, जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं, उसका पुराना वस्त्र लें। और वस्त्र लेकर आपको करना क्या है मैं आपको बतलाऊंगा, उस पे किस प्रकार से मंत्र बोलना है वो बतलाऊंगा। ये आपको करना है शनिवार की रात। जी हाँ मेरे भक्तों, ये शनिवार की रात को करोगे तो संडे के दिन ही आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। सुबह तक आपकी प्रेमिका आपके प्यार में दीवानी हो जाएगी, आपसे मिलने के लिए तड़पने लगेगी। वस्त्र लेने के बाद आप सबसे पहले नहा धो के एक एकांत जगह पे बैठ जाएं, जहां पे आपको कोई रोकने वाला टोकने वाला बिल्कुल ना हो। इसके बाद में आप गुरुजी ने जो मंत्र दिया है उसे 101 बार बोलना है। ध्यान रहे, गुरु जी को कॉल करना है, वो आपके नाम और राशि से आपको मंत्र बतलाएंगे, क्योंकि सबके नाम और राशि सब अलग होते हैं, उनके हिसाब से मंत्र अलग होते हैं। मंत्रों को सिद्ध किया जाता है, वो मंत्र आपको दिया जाएगा। उस मंत्र को 101 बार बोलना है। उस मंत्र को बोलकर इसे अपने सर पर 7 बार उल्टा घुमाना है और इसे आपको जला देना है। क्या करना है, जला देना है। ये पूरी प्रक्रिया हम आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकते, इसलिए बता रहे हैं इसे आपको जलाना है। और जो राख है उस राख को ले जाके जिस स्त्री के लिए किए है उसके घर के पास में छोड़ देना है। आप देखेंगे सुबह तक चमत्कार, वो स्त्री वो लड़की आपके प्यार में दीवानी हो जाएगी। ऐसे ही और विधि जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और भी कोई समस्या हो जीवन में, परिवार में शादी हो रही हो, शादी तुड़वाना हो, तलाक करवाना हो, कोर्ट कचहरी का कोई भी मसले हो, हमारे गुरु जी से कॉल कीजिए, हर एक समस्या का समाधान मिलेगा। धन्यवाद भक्त।